में भी थोड़ी देर के बाद ये क्लियरेंस होने के बाद फिर ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाने के बाद फिर से साइकिल दिखेंगे। तो हम आज जो है एचआरटी पार्ट देख लिया। एचआरटी, हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ मानस बिस्वाल और आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कि आप वो जानते हो 29% ऑफ प्रोडक्शन कमिंग फ्रॉम हाइड्रो प्रोजेक्ट, मतलब 42,000 मेगावाट बिजली हाइड्रो प्रोजेक्ट से ही उत्पन्न होता है। हमारा टोटल प्रोडक्शन है 1,45,000, जिसमें से 42,000 हम ओनली हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली इंडिया में ही प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है हमारा इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, इसीलिए इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। और ये जो है हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है बहुत हेल्प करता है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये गूगल मैप में मैं दिखा रहा हूँ एक प्लान, जो प्लान एक बैरेज से लेकर के एक पावर हाउस तक का प्लान है। जैसे कि आप देख रहे हो हिल पे ही हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है। हिल पे इसीलिए बन रहा है ताकि वाटर का जो बैरेज है उसको बनाने के लिए आसानी होता है। बहुत कम लेंथ का डैम बनाया जाता है जहाँ पे पानी को स्टक करने के लिए जगह मिल जाता है और हाइट बन जाता है, क्योंकि पानी को हाइट बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना हाइट पानी बनेगा, पानी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उतना स्पीड होगा, उसी का जो पानी का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए ये हिल स्टेशन में बहुत हिल में ही ज़्यादा सक्सेस है हाइड्रो प्रोजेक्ट। प्लेन में करने के लिए आपको हमारा क्या है ना, बहुत ज़्यादा जब पानी को हम डैम बना के पानी को स्टक रखेंगे तो पानी क्या ना बहुत ज़्यादा फ्लैट एरिया को कवर कर लेगा और हमारा जो लैंड है वो पानी के अंदर डूब जाएगा। बट हिल में ऐसा नहीं है। हिल क्या है, हिल भी कट है, एक डैम बना दिया तो और सर्टन लेवल पे वो पानी एक छोटा सा एरिया में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और उसको हम यूज़ करके हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे देख रहे हो ये है सॉर्स शाफ्ट, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है हाइड्रो प्रोजेक्ट में। सॉर्स शाफ्ट हो या फिर सॉर्स गैलरी हो, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पानी को बैक प्रेशर से ये कंट्रोल करता है। और ये रिवर का बॉटम एरिया है जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने के बाद ये पानी आउटफ्लो हो जाता है। ये जो जगह है ये इसको टीआरटी बोलते हैं, है ना। और आप ये जो हमारा देखते हो ये है कैंप, और ये जो देखते हो आप ये है ऑडिट। इस ऑडिट को देखते हो और दोनों साइड में जो दो टनल लाइन जा रहे हैं पैरेलल लाइन, ये है टनल। ये जो टनल है इसको बोलते हैं एचआरटी। ये एचआरटी के थ्रू ही पानी डैम से पावर हाउस तक आता है। तो पावर हाउस में पानी आने के बाद बिजली उत्पन्न हो जाएगा। चलिए मैं आपको वो एचआरटी के अंदर लेके जाऊंगा और एचआरटी में दिखाऊंगा कि अभी का प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है। तो आपको एक एक चीज़ हम दिखाएंगे इस वीडियो पे। हम एचआरटी पे ही फोकस रखेंगे। एचआरटी का एक्सकवेशन, एचआरटी का लेंथ कितना हो गया है और एचआरटी का ज़रूरत क्यों है, एचआरटी क्यों बना रहे हैं हम, ठीक है। और एचआरटी को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा और क्या चीज़ को हम इग्नोर करने से भी चल जाएगा, वो सब चीज़ हम बात करेंगे। और हम आपको ये दिखाएंगे कि टनल जो है हिमालयन जोन में कितना क्रिटिकल है। टनल बनाना इतना आसान नहीं है हिमालयन जोन में, बट हमारा पास इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है कि हम बहुत लूज रॉक में भी टनल बना रहे हैं। और लूज रॉक में टनल बनाना ही इंजीनियरिंग है, हार्ड रॉक में तो कोई भी बना लेगा, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो ये है ऑडिट टनल। इस ऑडिट का थ्रू हम जाएंगे वो पैरेलल ट्यूब में जहाँ पे एचआरटी, दो एचआरटी पैरेलल में जा रहा है, जिस एचआरटी का लेंथ है 13.8 किलोमीटर, बहुत लंबा एचआरटी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जगह में क्या होता है डैम के नीचे ही पावर हाउस हो जाता है ताकि उसमें एचआरटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें प्रेशर शाफ्ट से ही काम हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे पानी
एक जगह से कैरी करके दूसरे जगह लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जियोलॉजिकल कंडीशन ही ऐसा है, यहाँ का जो टेरेन है, यहाँ पे आप एक जगह में बना के सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर रहता है जो कि लॉस होगा। तो इसलिए 13.8 किलोमीटर का ये HRT बनाया गया है, बना रहे, इसका थ्रू पानी आएगा पावर हाउस में, और ये पावर हाउस में पानी पहुंचने के बाद बिजली वहाँ पे उत्पन्न होगा। ये जो देख रहे हो आप, इसमें पूरा रिब लगा हुआ है, स्टील रिब बोलते हैं इसको। ये ISMB और ISHB को यूज़ करते हैं, कहीं कहीं 200 mm तो कहीं कहीं 150 mm का यूज़ करते हैं, आज पर डिजाइन कि ये कौन सा स्टील हम यूज करेंगे तो क्या लोड लगा, हमारा लोड क्या है, उसका पूरे कैलकुलेशन होता है। इस कैलकुलेशन होने के बाद ISMB या ISHB का साइज और उसका क्या रेडियस का टनल बनना चाहिए उसके हिसाब से ये डिजाइन होता है। उस डिजाइन होने के बाद फिर एक्सकवेशन होता है, क्योंकि जो हिल का लोड है वो ये बियर करना चाहिए ISMB और ISHB। तो मैं आपको पूरा टनल का एज तक लेके जाऊंगा जहां तक एक्सकवेशन हो रखा है। बीच बीच में दोनों टनल को कनेक्ट करने के लिए लिंक टनल बना रहे हैं। लिंक टनल इसलिए ज़रूरी है ताकि एक्सकवेशन जल्दी होगा, प्रोग्रेस जल्दी होगा, नहीं तो लिंक टनल की ज़रूरत नहीं है। बट हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन जो है अभी फास्ट हो जाएगा। तो बीच में हम आपको आगे जाने के बाद लिंक टनल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा फेस का एक्सकवेशन का ड्रिलिंग और एक्सप्लोजिव लोडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे देखेंगे। ये आप देख रहे हो, ये हम आके पहुंच चुके हैं लिंक टनल पे, ठीक है। ये लिंक टनल का लेंथ 30 मीटर है, जो कि 25 मीटर हो चुका है, और 5 मीटर जाने के बाद एक दूसरा ट्यूब में हम पहुंच जाएंगे। और जहाँ पे ये जंक्शन एरिया है वहाँ पे ऐसा ISMB ISHB को यूज़ करते हैं ताकि हमारा लोड कम रहे और लोड हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ से थोड़ा सा दूर आगे जाने के बाद ये हमारा फेस है, हाँ। तो यहाँ पे अभी कुछ मॉकिंग्स का काम चल रहा है, जो कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होने के बाद जो मेटेरियल होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरा फेस पे, अपोजिट साइड का जो ट्यूब है, जो मैंने आपको दिखाया था पहले लेआउट में, प्लान में दिखाया था, एक ट्यूब से दूसरा ट्यूब को जाने के बाद हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सकवेशन हुआ नहीं है, 700-800 मीटर एक्सकवेशन हुआ है अभी इस फेस से। यहाँ पे चार ऑडिट से ही काम चल रहा है। एक तरफ में एक कंट्रैक्टर है, दो ऑडिट में एक कंट्रैक्टर है और दो ऑडिट में दूसरा कंट्रैक्टर है। अब दो ऑडिट में से जो एक ऑडिट है मैं आज दिखा रहा हूँ, दूसरा ऑडिट में बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस ऑडिट के अंदर में हम अभी HRT 1 और 2 है, अभी हम 2 HRT में जा रहे हैं। 1 मैंने पहले दिखा दिया आपको, ये है 2। 2 में भी वही 750 के आसपास काम हो चुका है, वो जो जहाँ लिंक टनल में दिखाया था वहाँ तक पहुँच चुका है सेकंड वाला। फर्स्ट वाला थोड़ा सा आगे हो गया है, वो थोड़ा 100 मीटर आगे चलता है, 800 मीटर के आसपास, ये 700 के आसपास है। फिर हम कुछ दूर जाने के बाद देखेंगे हमारा यहाँ पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग हो रखा है, तो नहीं, यहाँ पे ड्रिलिंग चल रहा है, ठीक है, ड्रिलिंग चल रहा है। ड्रिलिंग के बाद चार्जिंग भी आधा हो गया होगा, मैं भी चार्जिंग इसको बोलते हैं, जो एक्सप्लोजिव है ड्रिल होल में एक्सप्लोजिव को यूज़ करके उसको ब्लास्ट करके जो रॉक है उसको तोड़ देते हैं, वो रॉक को हम कोई एक्सकेवेटर से डंपर में लोड करके उसको कैरी करके बाहर लेके आ जाते हैं। तो उसको हम जैसे ही ब्लास्ट हो जाएगा, जो एडवांस मिलेगा उसको हम कूल बोलते हैं। तो वो मान लीजिए 2 मीटर मिल गया, तो 2 मीटर तक हम किससे, ये जो स्टील रिब आप देख रहे हो, ये स्टील रिब लगा देंगे तो हमको 2 मीटर जगह कवर हो जाएगा। सेफ्टी ऑफ व्यू में ये रिब लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेबर सब जो है इसके नीचे काम करेंगे। उसके बाद फिर ड्रिलिंग होगा, फिर ब्लास्टिंग होगा, फिर सेम टू सेम ये रिब लगेगा। ये रिब लगने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही धीरे 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 होके आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर के बाद हमारा जो है फेस एंड हो जाएगा। ये देख रहे हो टनल, बहुत अच्छा टनल बना हुआ है, सेफ्टी के साथ काम हो रहा है, और सेफ्टी ज़रूरी है। टनल है तो कहीं कहीं जैसे हम अगर ये रिब नहीं लगाते, कहीं आगे जाने के बाद पीछे भी बैठ जाता है, कैविटी भी आ जाता है। तो मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में कैविटी भी दिखाऊंगा। कैविटी क्या होता है? कैविटी मतलब पूरा का पूरा रॉक मिट्टी पानी लेके बाहर आ जाता है, रास्ता बंद, पूरा टनल ही बंद हो जाता है, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर उसको बड़ा टेक्नोलॉजी लगा के फिर से आगे बढ़ना पड़ता है, एडवांस करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारा सेफ्टी फैक्टर देखना पड़ता है टनल के अंदर में। टनल एक इजी काम नहीं है, बहुत टफ काम है। और ये देखो, ये है टाइम रॉक, नया टाइम रॉक है, नया मशीन आया, और दो फेस है, दो फेस में दो मशीन लगा हुआ, आप देख रहे हो ड्रिलिंग हो चुका है और यहाँ पे लोडिंग भी हो चुका है। मे भी थोड़ी देर के बाद ये क्लियरेंस होने के बाद फिर ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाने के बाद फिर से साइकिल दिखाएंगे। तो हम आज जो है HRT पार्ट देख लिया। HRT देखने के बाद हमारे को, मैं आपको दूसरा टॉपिक में दूसरा वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाइड्रो पावर का एक एक चीज़ अंदर का दिखाऊंगा जो कोई नहीं दिखाया है आपको, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।